आदिशक्त ग्रह नानक पवित्र भूमि श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव स्थल नवद्वीप धाम से अदूरवर्ती ज्यादा दूर नहीं है, गंगा किनारे में ऐसे पवित्र भूमि आदिशक्त ग्रह नामक स्थान में दो जमींदार निवास करते थे। दो भाई गोवर्धन और हिरण, अरब खरब पति माने तत्कालीन हुसैन शाह के प्रिय मुस्लिम राज्य था, एक नायक तंत्र था, अभी से 550 साल पहले राजतंत्र था, एक नायक तंत्र उसमें उनके अधीन काम करते थे ये हिरण्यक्ष और गोवर्धन, अतुल संपत्ति के अधिकारी। साल में 12 लाख रुपया उनका राजस्व मिलता था। 12 लाख रुपया माने तत्कालीन 1 रुपया माने एक स्वर्ण मुद्रा उस समय था, तो 1 स्वर्ण मुद्रा अभी का 51,000 रुपया, 1 रुपया इज इक्वल टू 51,000 रुपीज। तो मान लीजिए 1 लाख रुपया महीना में कितना होता है, आप हिसाब कीजिए। इतने अतुल संपत्ति के अधिकारी थे। एक ही मात्र पुत्र गोवर्धन के पुत्र रघुनाथ दास जन्म से ही वैराग, अद्भुत देखने में सुंदर अद्भुत बालक। तब सहित क्या हुआ, उसमें हरिदास ठाकुर बेनापुल वहां अपने स्थान छोड़ करके चले आए हैं अद्वैत प्रभु के भवन में, वहां आकर के हिरण्य गोवर्धन इनके घर में भी आते थे और बच्चा को बड़े सुंदर देख करके बच्चे को भी बुलाते थे, कभी कभी ये भी चले जाते थे उनके संग में पढ़ कर, जैसे संग ऐसे रंग। तो हरिदास ठाकुर आदि अद्वैत ठाकुर आदि इनके संग में रह करके उनके मन में बचपन से ही एक तीव्र वैराग्य आ गया था। साधु संग से होता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो लव मात्र साधु संग से ऐसा होता है जैसे नारद ऋषि साधु संग तो ऋषि तो प्राप्त हुए हैं, माँ के साथ साधु संग में रहते थे, साधुओं की सेवा करते थे बचपन में, साधु कृपा से उनके भीतर वैराग्य जागृत हो गई, तीव्र साधन के द्वारा भगवत कृपा से हो नारद ऋषि बन गए। तो ऐसा ही कैसे नहीं हो सकता है, साधु संग से ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य मिल जाए, सेवा करने का मौका मिल जाए, तो कहना ही क्या है। साधु संग बिना बिना महत्पुरुष के चरण रज बिना वो प्रेम प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। तो ऐसे बचपन से हरिदास ठाकुर आदि ऐसे महत्पुरुष के संग में रह करके उनके मन में तीव्र वैराग्य आ गया। कथा लंबा है, हमको संक्षेप करना पड़ेगा। बड़ी मनोरम, बड़े मनोग्राही, मर्मस्पर्शी ये कथामृत है। ऐसे वैराग्य जीवन में, साधक जीवन में, अगर साधन करने के लिए कोई साधक चाहते हैं कि हम साधन करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, वो प्रेम प्राप्ति करेंगे, तो अवश्य ही रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र अध्ययन करें, तो उनको समझ में आ जाएगा प्रेम क्या वस्तु है, कैसे मिलते हैं। इतना सहज है, खा रहे पी रहे हैं, जीवा लालसा, इंद्रिय वृत्ति, प्रबल इंद्रिय वृत्ति, अच्छा रहना, खाना पीना सोना, इसी में मस्ती, इसी में ही आनंद ले रहे हैं, इसी के पीछे डोलते हैं, और हमको प्रेम भी चाहिए, दिव्य प्रेम भी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए सब साधक के लिए। अगर जो इस जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अवश्य ही रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित पर्यालोचना करना चाहिए। तो पिता और ताऊ देखते हैं बच्चे का बहुत ही तीव्र वैराग्य आ गया, तो घर में रहेगा नहीं, ये भग जाएगा, तो क्या किया जाए। मतलब सबसे उत्तम उपाय है, देखो ये स्त्री जो है ना, ये स्त्री जाति ये बहुत मोहिनीकारी है। ये ऐसे अगर सुंदरी स्त्री संग अगर मिल जाए, ऐसे धन तो अतुल ऐश्वर्य संपत्ति तो है ही है, तो शायद हमारा बेटा
संसार में आ भी सकता है, इसका मन परिवर्तन भी हो सकता है। तो ऐसे ही अरे अरब खरबपति तो खरबपति महीने में अरबपति, तो उनके क्या है ढूंढ डार के ऐसे एक अनिंदा सुंदरी दिव्या, जैसे मान लीजिए स्वर्गलोक से ले आए हैं अप्सरा रंभा जैसे तिलोत्तमा जैसे, ऐसे ढूंढ डार के एक सुंदरी के साथ शादी करा दिया है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर होती है, अप्सरा रंभा क्या करेगा, अतुल ऐश्वर्य धन संपत्ति क्या करेगा, इंद्रिय भोग्य वस्तु पदार्थ उसका क्या परिवर्तन ला सकता है, वो उसके साधन के लिए वो बाधक नहीं बनता है। हमारे दुष्ट मन विषय अभिनिवेश, इसलिए हम लोग इसी में मोहित हो जाते हैं, तो बार बार घर छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन पिता ताऊ आदि देखते हैं तो भाग जाएगा घर से। तो उनका धन की कोई कमी नहीं है, 11 जन नौकर रखा है देखने के लिए, देखो ये भाग ना जाए, दिन रात रात्रि भले सोते हैं तो घर के चारों ओर 10-11 जन पहाड़ा देते हैं, मुफ्त का पैसा देते हैं, सिर्फ हमारा बच्चा भाग ना जाए, कहीं जाए शौच में जाएगा वहाँ भी 4 जन पीछे पीछे जा रहे हैं, कहीं जाएंगे तो उसके साथ साथ 8-10 जन पहाड़ादार जा रहे हैं, पहाड़ा कुछ नहीं, भाग ना जाए, देखना बेटा भाग ना जाए, तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना। और ये दिखते बड़ा बंधन के कारण है, और सुने हैं राम के लिए महाप्रभु आए हैं, सुन करके रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बड़ा अनुराग बन गया है, तीव्र अनुराग। एक बार महाप्रभु का चरण दर्शन करना संभव नहीं है, तो पिताजी को कहे हमको जाने दीजिए, एक बार दर्शन करके आने दीजिए, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम वचन देते हैं, लेकिन एक बार महाप्रभु के चरण दर्शन करने के लिए हमको आदेश दिया जाए। बोलता है नहीं तुम भाग जाओगे, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है, ना हम वचन देते हैं हम भागेंगे नहीं, अगर आप लोग जोर करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हमको जाने नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और दिखती है तो ज़्यादा दबाव देना ठीक नहीं है, चलो संसार छोड़ तो भाग नहीं रहे, प्यादा 2-4 जन नौकर चाकर भेज दिए हैं, साथ साथ जाओ वहाँ जा करके, महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु के चरण वंदना किए हैं, महाप्रभु के चरण वंदना करके बड़ी जम के रोना शुरू किए हैं, प्रभु आपके चरण कमल में हमारे लिए थोड़ा स्थान नहीं हो सकता है क्या, हमको आपका चरण सान्निध्य में निवास करने का थोड़ा सा कृपा नहीं की जाएगी, प्रभु हम इतना अधम है, हम इतना विषयी है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, यहाँ बांग्ला में एक पैर है, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखैया, यथाजोग्य विषय भुंज अनाशक्त होइया, अंतर निष्ठा करी बाहरी लोक व्यवहार, अवश्य कृष्ण তোমায় করিবেন উদ্ধার, ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে, অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা রবে, বুঝে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে। এ উপদেশ দিয়ে বলে এসে লোক দেখানা এ বৈরাগ নাই করনা, মরকট বৈরাগ না করিও লোক দেখায়া, মরকট বান্দর জেসে বৈরাগ, उनके बंदर से बड़ा बैरागी कोई नहीं है, देखो अमृत दो खा के संग्रह नहीं करेगा, वहीं फेंक के चला जाएगा, जितना पेट भरेगा खाएगा फिर छोड़ के चला जाएगा। बंदर एक ऐसे प्राणी है जो कभी घर बनाता नहीं है, सब जीव का एक ठोर है लेकिन बंदर का कोई ठोर नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और नंगा तो रहता ही है, तो उसको बड़ा बैरागी कहा जाएगा, क्योंकि घर नहीं संग्रह नहीं रहने का ठिकाना नहीं है, तो वो बड़ा बैरागी कहा जाएगा। बोलते ना, उसको बैरागी नहीं कहा जाता है, बैरागी 3 वस्तु त्यागना है, त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। 3 नरक का द्वार है काम क्रोध और लोभ, ये 3 जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। काम माने कामना, इंद्रिय भोग विषय आसक्ति कामना, क्रोध और लोभ लालसा, चाहिए 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 जागतिक वस्तु, ये 3 नरक का द्वार है।
तस्मात ये तत्त्रयंकजित, इसलिए अगर त्याग करना है तो ये तीन को त्याग करना, ये तीन को जिसने त्याग दिया वो घर में रहे चाहे जंगल में रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घर में रहने से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर उसका बंधन के कारण नहीं है, ये कामना वासना बंधन का कारण है। हम लोग तो घर का दोष देते हैं, ये गृहस्थी है, हम गृहस्थी है, तो किस तरह से हम इसको त्याग देंगे, बोलते नहीं वासना त्याग ही त्याग है, त्याग ना घर त्यागने से त्याग नहीं होता, जंगल जाओगे वहाँ भी तुमको एक झोपड़ी चाहिए, वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ खाने के लिए तुमको संग्रह करना पड़ेगा, सब कुछ गृहस्थ जैसे कर्म तुम करना, हाँ त्यागी हैं ठीक है, नाम तो धर दिया त्यागी, जैसे हम देखिए नहीं देखिए नहीं त्यागी है, ये कोई कहेगा ये त्यागी का घर है, रह रहे हैं त्यागी कहलाते हैं, हम जैसे साधु को त्यागी कहलाते हैं, क्या करें समय ऐसा आ गया है, अब जाएंगे तो जाए कहाँ, जंगल में जाते उत्पात उपद्रव नाना प्रकार रहना मुश्किल है। तो मारकाट वैराग्य ना करियो लोग देखे, लोग को दिखा करके बंदर जैसे वैराग्य नहीं करना, यथा योग्य विषय भुंज अनाशक्त हो या, जैसे विषय में रह रहे हो अनाशक्त हो करके विषय में रहो, नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है, नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए तो नाव डूब जाएगी, अगर नाव के अंदर पानी नहीं है तो पानी में रहने से नाव का क्या फर्क पड़ता है, तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं, तुम्हारे अंदर संसार माने वासना नहीं रहनी चाहिए तो तुम मुक्त हो, बस सीधा बात है, त्यागी हो चाहे कोई भी हो, भीतर में वासना है, चिंता करके देखो, छाती में हाथ धरो, हाथ धर के देखो तुम्हारा मन क्या चाहता है, क्या ये वस्तु तुमको देने से अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, देखना अगर बोलो नाम को कुछ अच्छा नहीं लगता है, राधा के चरण चर को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, तो ठीक है कोई चिंता नहीं, राधारणी तुमको वंचना नहीं करेंगे, लेकिन खूब भजन करते हैं, ढोंग ढांग करते हैं, हम जैसे लोग को दिखाते हैं बड़े भजन आनंदी हैं, हम जैसे ये ढोंग ढांग का काम नहीं है, अंतर जगत की मामला है, पूछो अपना अंतर जगत को पूछो, अगर ऐसे तुम्हारे हृदय में कोई वासना नहीं तो चिंता नहीं, राधारणी तुमको वंचना नहीं करेंगे, अगर ढोंग ढांग करते हो भीतर में वासना है, वासना भी तीन प्रकार, वासना सात्विक वासना, राजसिक वासना, तामसिक वासना, ये लौकिक वासना, लेकिन भक्ति प्राप्ति की इच्छा वो वासना नहीं, वो वासना उसको कहते हैं निर्गुण गुणातीत, और ये जो तीन गुण में जो वासना है, पहला वासना है आश्रम मंदिर आदि प्रचार आदि ऐसा जगत कल्याण मंगल, ये वासना सात्विक वासना अच्छा है लेकिन तुमको आना पड़ेगा, राजसिक वासना घर मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार राजसिक वासना, तामसिक वासना है अवैध जो समाज जीवन में जिसका कोई मान्यता नहीं, सब कोई घृणा करते हैं, जैसे कामना जैसे कर्म करने से मनुष्य निंदा करते हैं, जैसे शराब पीते हैं मदिरा पीते हैं नाना प्रकार कुकर्म करते हैं तो निंदा करते हैं, वो है तामसिक वासना, ऐसा मिल जाए ऐसा मिल जाए, ये तामसिक वासना, लेकिन ये सात्विक वासना भी बंधन का कारण, इसीलिए वासना मुक्त हो, इसीलिए कहते हैं मरकर वैराग्य ना करिए लोग देखाया यथाजोग्य विषय भुंज अनाशक्त हो या, अनाशक्त होकर के विषय में रहो तो विषय तुमको कुछ कर नहीं सकता है, अगर जंगल में रह करके भी तुम्हारे भीतर वासना है चाहिए 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 तो मान लेना तुम फंसे हुए हो, जंगल में रह करके भी पशु पक्षी जैसे फंसा है जंगल में रहता है लेकिन वो फंसा हुआ है, ऐसा ही तुम भी माने मैं हम जैसे फंसे हुए हैं, यानी वासना का भी तारतम्य है, सात्विक वासना ज्यादा बंधनकारी है या तामसिक वासना माने आना पड़ेगा बंधनकारी है, सात्विक वासना होने से तुमको अच्छा लोग स्वर्गलोक मिलेगा, फिर क्षमे पुण्य मर्त्यलोक विषमती, पुण्य क्षय होने से मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, अच्छा कुल में जन्म होगा, पैसा वाला का कुल में जन्म होगा, अच्छा है और राजसिक वासना रहने से जैसे हमको मकान दुकान घर स्त्री पुत्र परिवार इसमें तुमको निकृष्ट जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा तो भी वैसे ही विषयी लोगों का घर में ऐसे ही निष्कुल में तुमको जन्म मिलेगा, मान लो थोड़ा बहुत पुण्य कर्म किया है लेकिन भीतर में राजसिक वासना और तामसिक वासना तो नरक ले जाएगा।
नरक, संसार और उच्ची कुल में जन्म, तीनों ही बंधनकारी, तीनों ही बंधनकारी। ज्यादा बंधनकारी तामसिक वासना, तामसिक वासना तो नरक ले जाता है, नरक भोग करके फिर जा करके वो 84 लाख जोनी में जाता है, वो तो सबसे निकृष्ट है, सबसे। अच्छा जाओ काम को आगे चलने दो। तो यथाजोग्य विषय पुंज अनाशक्त हो, अंतर निष्ठा करी बाहरी लोक व्यवहार, अंतर में निष्ठा रखना, कोई ना जान पाए, कोई जाने नहीं, जो हम भजन करना चाहते हैं बाधा आ जाएगी, अगर ज़्यादा दिखाओगे तो घर में ही तुम्हारा सब दुश्मन बन जाएगा, ये तो भगत जी बन रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो ऐसा करने से संसार कैसे चल ना, और निष्ठा रखना भीतर, बाहर लोक व्यवहार, बाहर जैसे कुछ जानते नहीं है हम, एकदम भजन भजन हम करते ही नहीं है। अवश्य कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, तुम चिंता मत करना, भगवान तुमको उद्धार करके ले ही जाएंगे। भलो ना खाई भी, भलो ना पोरी भी, अच्छा नहीं खाना, बढ़िया बढ़िया खाने का इच्छा नहीं रखना, अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, भलो ना खाई भी, भलो ना पोरी, अमानी मानद, अमानी मानद माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं करना, अमानी मानद माने सबको सम्मान करना, निर्विशेष सबको सम्मान करना, कृष्ण नाम सदा लवे, इस तरह से भगवान का नाम गुणानुवाद कीर्तन करते रहना। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानुष्य गरीबे, तुम ब्रज में जा नहीं पा रहे हो, मन में चिंतन करना, हम ब्रज में हैं, ब्रज में रह करके हम राधा कृष्ण जुगल सेवा कर रहे हैं, ऐसे मन में चिंतन करना, ऐसे उपाय बता दिए हैं, ये तो लोग देखा, लोग देखना नहीं, तुम जाके एकदम गृहस्थी जैसे आचरण करो। तो रघुनाथ देखा जो ये तो उपाय है, एक है गृहस्थी जैसे आचरण करने से, फिर जाके तो ये हमारे जो ये बंधन है, ये जो नौकर चाकर जो घेर के हमको घर से निकालने ही देता नहीं है, तो कभी कभी मौका तो मिल जाएगा, फिर मैं भाग जाऊंगा प्रभु के चरण कमल में। ठीक किया, अच्छा है, बढ़िया है, अब तय कर लिया मन में, इस बार घर में आकर के पूरा उल्टा, सब विषय पैसा पैसा पैसा, हा करी कहाँ से कौन कहाँ से आ जाएगा पैसा, इतना पैसा वहाँ बाकी है, वो खजाना है, वहाँ से लेना है, वहाँ से आदाय नहीं हुआ, वो उस मौजा में ऐसा ऐसा इतना पैसा बाकी है, पिताजी को कब कहते हैं इसको उठना चाहिए, पैसा चाहिए, ये पैसा आदाय नहीं हो रहा, प्रजा लोग दे नहीं रहे हैं, इससे इसे इसे इसको जत्न करना चाहिए, दिन रात सुबह से उठकर शाम तक हाँ पैसा हाँ पैसा। और स्त्री है उनके उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में तो वहाँ भी रखती, तो ऐसे बहुत दिन जब हो गया, महीना दो महीना जब हो गया, तो पिता दिखते हैं तो ये लड़का तो बदल गया, वास्तव में अभी तो घर छोड़ना क्या, अभी तो भजन भजन कुछ दिखता ही नहीं, तो नौकर चाकर जो है उसको सब पैसा पड़ी दिखे हटा दिया, जाओ तुम लोग घर जाओ, तुम लोग घर जाओ, हमारा लड़का अब गृहस्थी बन गया, बढ़िया गृहस्थी बन गया, ये हमसे भी ज़्यादा गृहस्थी बन गया है, तुम लोग सब घर छुट्टी दे दिया, एक आध रखा है, पहले 11 जन नौकर था, अभी 2 जन रखा है। इतने में क्या हुआ, एक दिन अब पिता और ताऊ जान गए हैं हमारे बेटा पूर्ण रूप से गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, अब उनके भीतर से ये सब भक्ति भक्ति सब हट गया, बढ़िया हुआ, वाह बहुत सुंदर, इतना तो चाहते थे, हमारे इतना संपत्ति है भोगेगा कौन, ये तो कोई खाने वाला है नहीं, ये रखने का जगह नहीं, क्या करें। तो एक दिन सुबह सुबह उनके गुरुजी जोधनंदन आचार्य एक दिन उनके घर आए हैं, क्यों कोई काम से कुदरत ही आ गए हैं सुबह सुबह, तो बातचीत किया है हिरण और गोवर्धन से, बात करके फिर जाएंगे, रघुनाथ है उनके शिष्य, रघुनाथ कहते हैं चलिए आपको थोड़ा पहुंचा दूं, पिता को कहते मैं थोड़ा सा पहुंचा के आता हूँ, थोड़ा सा देखते अब यहीं तो जाएगा पहुंचाने के लिए, अच्छा जा बेटा थोड़ा पहुंचा के आ, और बेटा हमारा गृहस्थी हो गया अब तो भय नहीं है, और बेटा देख रहे हैं पीछे कोई आता तो नहीं, ना नौकर चाकर कोई नहीं, जो दोनों गुरुजी को क्या पहुंचाएंगे, वो देख रहा है पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, अब भागेंगे हम, तो थोड़ा दूर जा करके देखा भाई
कोई नौकर चाकर कोई नहीं आ रहा है, और कस के भागा एकदम राधे राधे करते करते, ऐसे भागा माने गांव गांस खेत उत कुछ दिखता ही नहीं आंख के सामने, कहां से भाग रहा है, रास्ता है कि नहीं, कहां जाना है, कोई बात नहीं, पहले भागो इनके नजर के बाहर, कैसे भी चले जाओ इनके नजर के बाहर जाना पड़ेगा, जिससे हमको ढूंढ के भी नहीं मिले। ऐसा करते करते इधर खाना पीना नहीं, 3 दिन दौड़ते दौड़ते बंगाल से वहां से 3 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचे। चिंता कर सकते हैं कैसे भागा, 3 दिन सिर्फ खाया, रास्ते में खाना मिला 3 बार। इधर तो अरे बेटा कहाँ गया, बेटा तो अभी आया नहीं है, तो जो दिन गुरुजी को पहुँचाने के लिए गए, कहाँ गया बेटा, कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, हाय बेटा कहाँ गया बेटा, गया तो गया, आज भी गया कल भी गया, वो गया काशी बनारस गया। रोना पीटना शुरू कर, रोने से क्या होता है, अब तो चलते चलते महाप्रभु के चरण में आए, महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हो गए, हाँ ठीक समय आए हो, अब तुम्हारा समय हो गया, वहाँ रहने लगे। पिता ने जान गए हैं भाई बेटा हमारा गया है, जाएगा तो कहाँ, एकमात्र महाप्रभु के चरण में ही जाएगा, वो जानते हैं ना, तो ये तो बैरागी हो गया है, और कहाँ जाएगा, महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, खबर लो जगन्नाथपुरी, खबर लो, नौकर भेज दिया 2-4 रुपया पैसा दे करके, आके देखते हैं, हाँ यहाँ तो बैठा है, माल तो यहाँ बैठा है, बहुत अनुरोध किया, बोलते ना हम तो जाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे फिर भी हम जाने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करेंगे, बहुत सारे पैसा देने के लिए तैयार है, ले लो ये पैसा लो, तुम कष्ट नहीं करना, ये नहीं करना, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया तुम इतना कष्ट नहीं सहन कर पाओगे, तुम ठीक से रहना, तो कुछ पैसा तो ले लिया, इसलिए कि वो चाहते हैं कि हम महाप्रभु का भंडारा देंगे, जैसे हम लोग उनके पास पैसा आने से क्या चिंता करते हैं, एक बढ़िया भंडारा हो जाए, साधु सेवा हो जाए, उस ऐसा चिंतन आता है ना, अपना तो कोई जरूरत है नहीं, भंडारा दे देंगे, तो भंडारा देना शुरू किया, खुद लेते नहीं, खुद क्या करते हैं, जगन्नाथ के द्वार पर वहाँ ठड़े रहते हैं, जब यात्री दर्शन करके निकलते हैं तो ऐसे ठड़े होते हैं ना, तो बैरागी देख करके कोई 2 पैसा 1 पैसा दे देते हैं, उसी से गुजारा करते हैं, अजाचक वृत्ति। फिर कुछ दिन पीछे देखता है भाई ये भी ठीक नहीं है, और महाप्रभु भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, वो पैसा लेते हैं ना, तो महाप्रभु देखते हैं निमंत्रण तो करते हैं, रघुनाथ दास के बात पर तो निमंत्रण स्वीकार तो करते हैं, लेकिन महाप्रभु प्रसन्न नहीं, कुछ बोलते नहीं, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया ये शब्द नहीं कहते हैं, हाँ प्रसाद पा लिया जाए, चुपचाप चला गया, तो उनका मन कहा महाप्रभु पसंद नहीं है, तो महाप्रभु को पसंद नहीं तो ये पैसा क्या करेंगे, फिर महीना में 2 महीने में जो आते थे पैसा लेकर के उनको मना कर देना, खबरदारी यहाँ नहीं आना एकदम पैसा लेकर के, हम एकदम पैसा लेंगे नहीं, महाप्रभु के इसमें कोई प्रसन्नता नहीं, तो वो लोग तो पैसा लेकर लौट के चले गए। तो महाप्रभु से कहा, महाप्रभु फिर दोबारा निमंत्रण नहीं आई, महाप्रभु ने कहा जे भाई रघुनाथ आज निमंत्रण करना बंद क्यों कर दिया, वो तो हफ्ता हफ्ता में 2 हफ्ते में 15 दिन में 15 दिन में निमंत्रण करता था, अभी निमंत्रण करना क्यों बंद कर दिया भाई, खबर लो। तो स्वरूप दामोदर थे महाप्रभु के पास, साधन के साथ रहते थे, स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रभु शायद ऐसे चिंतन कर लिया, जो ये विषय का पैसा से आपका प्रसन्नता नहीं आती है, इसीलिए शायद वो इसलिए बंद कर दिया है, बढ़िया किया बढ़िया किया। रघुनाथ आने से उनको बोला विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्तार उभयर मलिन है मन, बोले विषय का अन्न से राजस्व निमंत्रण होता है, दाता भोक्ता दोनों का चित्तवृत्ति मलिन हो जाता है, अन्न दोष, ये अन्न दोष है, विषय का अन्न खाने से भजन से मन छूट जाता है, जैसे जैसे विषय का पैसा है ऐसा ही मनोवृत्ति हो जाती है, इसीलिए पैसा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव जो बहुत परिश्रम करके, ये जो गोवर्धन के सिद्ध बाबा थे
रानी आई थी जो महाराज हमारे लिए कुछ सेवा बताइए, बोलते तुम्हारे लिए क्या सेवा बताए, तुम राजा हो, तुम्हारे तुम्हारे राज पैसा से तो भाई कोई हमारा काम में आएगा नहीं, तो क्या हमारे ये राज भंडार ये कोई काम में आएगा नहीं, तो रोना शुरू कर दी है। तो महाराज क्या हमारा मानव जीवन चौपाट हो जाएगा, क्या हम साधु संत सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा सूर का हमारे पास कुछ है नहीं। तो बोलता हाँ है, कर सकते हो, करोगे? हाँ करेंगे। तुम एक काम करो, गोबर का गोबर बीनो, गोबर बीन करके कांडा दो, कांडा दे करके वो कांडा इकट्ठा करके वो कांडा बेचो, बेच करके खुद करना, नौकर चाकर से नहीं करना, जो नौकर चाकर गए तुम लोग कांडा दो फिर बेच करके पैसा लाओ, ऐसा नहीं, अपने हाथ से गोबर बीनो, बीन करके उसका कांडा दो, कांडा दे करके वो कांडा बेचो, खुद बेच करके जो पैसा मिलेगा वो पैसा ले आना हमारे पास, हम सेवा करेंगे। तो रानी उसमें प्रसन्न हो गई, वो जाके ऐसे ही करती थी, है ना। तो ऐसा है, तो विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन, मलिन मन न है कृष्णेर शरण, मलिन मन होने से फिर जाके कृष्ण का चिंतन होना संभव नहीं। अच्छा है, अच्छा किया है, हम क्या कहेंगे, कहने से दुख पाएगा, इसीलिए हमने कुछ कहा नहीं, हम तो स्वीकार करते थे, नहीं तो रघुनाथ दुखी हो जाएगा, अच्छा किया, बढ़िया किया। दो दिन पीछे रघुनाथ देखते हैं जो यहाँ तो ये तो एक वेश्यावृत्ति जैसे द्वार में ठहरे रहते हैं, कौन देगा, ये आएगा, ये नहीं दिया, वो देगा, वो गया, वो भी चला गया, और अच्छा ठीक है वो देगा, वो भी दिया नहीं, इंतजार करना है, चले बेकार का ये छोरे चक्कर। तो जहाँ महाप्रसाद होता है ना, तो उसको कहते हैं आनंद बाजार, बहुत प्रसाद बनता था, नित्य बनना चाहिए, इतना कैमन चावल बनता था, प्रतिदिन अभी भी बनता है, अभी तो बहुत सारे भक्त होने का कारण बिक जाता है, लेकिन उस समय बिकता नहीं था, लेकिन बनाना जरूरी था, और फेंक देते थे एक जगह, तो गाय खा जाती थी, खा के भी वो सड़ जाता था। तो रघुनाथ दास के समय बहुत सारे पानी लेकर के वो सड़ा हुआ गला हुआ उसको लेकर धो करके धोते धोते फेंकते फेंकते उसके बीच से जो सॉलिड जो मिलता था थोड़ा दो एक मुष्ठी उसी में एक एक कटोरा में ले करके उसी को बिना नमक उसी को खाते थे, खा करके भजन करते थे। महाप्रभु जान गए हैं एक दिन रघुनाथ ऐसे ही सड़ा हुआ गला हुआ उसको धो करके बीच में वो थोड़ा सा सॉलिड मिलता है, थोड़ा सा बहुत धोने का बाद नीचे थोड़ा सा मिल जाता है, उसी को संग्रह करके जगन्नाथ का महाप्रसाद एक कटोरा में ले करके बैठ के अब भोग लगाए हैं। इतने महाप्रभु आकर के जब खा रहे हैं, महाप्रभु आकर के वहाँ से एक मुष्ठी लेकर के मुंह में डाल दिया, देखते हैं अरे महाप्रभु आकर के ये हमारे झूठा मुंह में दे दिया। जगन्नाथ का प्रसाद झूठा नहीं माना जाता है, ऐसे यह है, वो कोई भी सब एक साथ खा सकते हैं, वहाँ भांगी चमार कोई मुसलमान फुसलमान कुछ नहीं है, वहाँ सब एकाकार है, कोई निज जाति भी वो परिवेशन करते हैं, और ऐसा परिवेशन करते हैं छू करके पत्तल छू देते हैं, ये छू देते हैं, जरूरत होने से थोड़ा चाट के भी देखते हैं हाथ से, तुम देखोगे तो फिर तुम अगर तुम अंदर हम एक दिन गए आनंद बाजार तो देखते हैं वो चम्मच है ना प्रसाद लाए हैं गरम गरम लेके बैठे हैं बेचने वाला, अचानक क्या हुआ एक चम्मच लिया ऐसा चाट लिया और उसी को डुबो दिया डाल के अंदर, अरे अरे ये क्या, वैसे ही चलता है जो गए हैं वो जानते हैं, वो देखे हैं क्या लीला चलती है, जिसके मन में ज़्यादा सूचि वायु है वो तो पा नहीं सकता है, लेकिन ऐसा ही वहाँ चलता है, नियम है। महाप्रभु खा लिया, फिर दोबारा जब लेने गए तो रघुनाथ दास हाथ पकड़ लिए हैं, रो दिए हैं, प्रभु ये आपके लायक नहीं है प्रभु, अब नहीं नहीं तुम रघुनाथ तुम बहुत होशियार हो, तुम रोज रोज ऐसे अमृत वस्तु पाते हो और हमको नहीं देते हो, हमको निमंत्रण नहीं करते हो, ये तुम्हारी अच्छी बात है, तो हम क्या करें, हम आकर के हमको इच्छा हुई है, तुम इतना बढ़िया वस्तु रोज पाते हो,
तो हमारा भी मन होता है हम भी तरफ पाए। इस तरह से प्रेरणा दिए हैं। फिर स्वरूप दामोदर के पास रहते थे, स्वरूप दामोदर उनके शिक्षा प्रदान करते थे। इतना में तो महाप्रभु लीला संवरण किए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े रोदन करते करते चले आए हैं, राधा कुंड किनारे में आ करके रहने लगे। रह करके वहाँ तो उस समय कुंड माने जलाशय था, चारों ओर धान खेत, कोई कीचड़ उचर पुखर जैसे था। धूप के अंदर रहने का कोई स्थान नहीं, धूप के अंदर बैठे बैठे नाम करते हैं अकेला। राधारानी आकर अंचल दे करके छाया देती थी, राधारानी स्वयं। शेर आकर के पानी पीता है, उधर भगवान सुदर्शन लेके ठहरे हैं। दास गोस्वामी एक दिन आए, देखो रघुनाथ क्या करता है, आके देखते हैं तो दिव्य दृष्टि, वो भी तो महाप्रभु के पार्षद, देखते हैं जो राधारानी छाया प्रदान कर रही है और कृष्ण सुदर्शन लेके ठहरे हैं, शेर पानी पी रहा है। देखते हैं ये तो ठीक नहीं, ये तो ड्यूटी लगा रहे हैं, राधा कृष्ण ठाकुर जी दोनों का ये तो ड्यूटी लगा दिया है, ये तो उचित नहीं। कहते नहीं, कहने से अभिमान हो जाएगा। अगर कहें तुमको राधा रानी ऐसे अंचल दे करके तुमको छाया प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी, तो घमंड हो सकता है, अभिमान हो सकता है। अच्छा है, ऐसी बात है, तब तो हम तो राधा रानी के बहुत प्रिय हैं, ये अहंकार हो सकता है, तो हमारे ऊपर राधा रानी बहुत प्रसन्न है, हमारे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है, ऐसे प्रसन्नता आ सकती है, इसीलिए कुछ कहे नहीं। कहे रघुनाथ देखो ऐसे उचित नहीं है, तुम ऐसे कष्ट देते हो ठाकुर जी को, तुम धूप में रहते हो, ऐसे वर्षा ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतु में तुम ऐसे कष्ट शिकार करके तुम भजन करते हो, एक पत्ता लत्ता से एक झोपड़ी बना लो। तो देखें बड़े हैं ना सनातन दास गोस्वामी, तो मान्यता है ना उनकी, बड़े हैं, ठीक है आप जैसे कह रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे। तो राधा कुंड के किनार में एक सुंदर झोपड़ी बना करके वहाँ रह रहे हैं। तो बड़े बड़े संत वहाँ आते थे। एक दिन उनके मन में आया कि ये राधा कुंड अगर ऐसे पुखड़ा जैसे कीचड़ भरा हुआ है, सरोवर धान खेत है, ये अगर कोई बन जाता बढ़िया तरह से, तो साथ साथ मन में इच्छा आते ही एक बड़े सेठ जा रहे थे बद्रीनारायण बद्रिकाश्रम, बहुत पैसा लेकर के बद्रिकाश्रम हम बनाएंगे, अरब खरब रुपया लेकर के जा रहे थे बद्रिकाश्रम। तो रात्रि में स्वप्नादेश हुआ, तू कहाँ जा रहा है बद्रिकाश्रम बनाने के लिए, तू जा वृंदावन में मथुरा नामक शहर है, वहाँ निकटवर्ती स्थान है राधा कुंड, तू वहाँ जा करके रघुनाथ दास नामक एक साधु बाबा है उनके पास जाना, तेरे को बता देगा ये पैसा किस तरह से क्या निर्माण किया जाए, इससे हम अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। वो मन बदल गया, वो सीधा ढूंढते रुपया पैसा लेकर के आए हैं मथुरा में। मथुरा में आकर खबर लिए हैं भाई राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड बोले वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो ढूंढते वहाँ आए हैं, कौन है रघुनाथ बाबा, रघुनाथ बाबा एक लारे यहाँ तो हमको कोई जानता नहीं है, हम तो यहाँ पड़े हैं। बोलते हैं ऐसे ऐसे हमको सपना देश हुआ है, बोलिए आपके मन में क्या इच्छा है, हम ऐसे कर्म करेंगे। तो याद आया, अरे हमारा मन में तो इच्छा हुई कि राधा कुंड बनाएंगे, अरे संकल्प करना भी बहुत खतरनाक है। अगर मन में कोई संकल्प आ गया ना, साधक जब भजन करते हैं उनके मन में अगर संकल्प आ गया तो तुरंत वो वस्तु आ जाएगा। एक बार संकल्प होना चाहिए, चाहे स्वर्ग का अमृत हो वो आ जाएगा, ये सत्य है। इसीलिए साधक को संकल्प भी करना नहीं चाहिए, जागतिक विषय, ऐसा होने से अच्छा होता, ऐसा होने से अच्छा होता, यहाँ एक आश्रम होने से अच्छा होता, है ना, संकल्प नहीं करना चाहिए, वो हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। संकल्प नहीं तो बहुत धिक्कार दे रहा है, आपने ऐसा संकल्प क्यों किया, तो अपने से तो होगा नहीं, हम तो कर नहीं सकते हैं। जीव गोस्वामी को बुलाओ, जीव गोस्वामी है सनातन गोस्वामी के भ्रातृष्पुत्र,
है? भाई का लड़का अनुपम बल्लभ के उनके छोटा पुत्र है जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी बुलाया और ये काम में वो बहुत पारदर्शी है, उस समय ब्रजमंडल में उनके बहुत मान्यता प्राप्त पंडित है, जानकारी भी बहुत है। बोला जीव भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो जीव गोस्वामी ने उस समय ये राधा कुंड वर्तमान जो स्थिति है इसको निर्माण किए हैं। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी इतना विरह वेदना में ऐसे व्याकुलित तो हो गए कि उनके क्रंदन देख करके सब माने व्यथित तो हो जाते थे, क्या करें सब। तो इसमें सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सब आके उनको सांत्वना देते थे, सांत्वना देते थे जो तुम इस तरह से इतना व्यथित क्यों हो रहे हो, राधारानी तो तुम्हारे भीतर है। ऐसे विरह, ऐसे राधारानी के विरह बोलते हैं, ऐसे व्याकुल क्रंदन करते थे। वो क्रंदन के ध्वनि सुन करके कोई मानुष क्या कोई पशु पक्षी के नेत्र में पानी आ जाएगा, ऐसे व्याकुलित होकर के ऐसे रोदन करते हा राधे बोल करके, ऐसे विलापमय क्रंदन जो कभी सुनने में आया नहीं है। जगत में संसार में समस्त स्त्री कुटुंब परिवार समस्त बांधव सब मर जाने से भी ऐसे क्रंदन ये सुनने को नहीं मिलता है। तो उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आकर उनको बहुत सांत्वना प्रदान करते थे। कठोर नियम, सारा दिन में एक दोना माठा पीते थे, एक दोना सारे दिन में एक दोना माठा पी के कोई रह सकता है, बस एक दोना माठा पी करके रहते थे भजन किए। फिर जा करके समय आने पर राधा रानी नित्य निवृत निकुंज लीला में उनको ले गए, ओ उनके दिव्य शरीर परित्याग करके वो नित्य लीला में चले गए। उनके समाधि अभी भी विद्यमान है राधा कुंड में, भक्त लोग जाते हैं दंडवत परिक्रमा करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे। रघुनाथ दास गोस्वामी तिथि रघुनाथ दास गोस्वामी भक्त गोस्वामी।